हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकेंड एंड वन सेकेंड चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप मॉनसून सीजन पे अपने हेयर को अच्छे से केयर कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस टाइम में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है और डैंड्रफ का कारण है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो इस सीजन पे स्किन पे हो या स्कैल्प पे बराबर का फैलता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप फंगल इन्फेक्शन से और ईची स्कैल्प से परमानेंटली छुटकारा पा सकते हो। सो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में जो प्रोडक्ट है वो है KLM केटोकॉन्जल लोशन 2%। ये एक शैम्पू है फॉर एंटी डैंड्रफ एंड ईची स्कैल्प। फ्रेंड, KLM का जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको यूज़ करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो ये एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है और इसकी जो प्राइस है आप देख सकते हो 199/60 ml। ये आपको कोई भी मेडिसिन शॉप में डिस्काउंट में मिल जाएगा। और इसकी टेक्सचर जो है मैं आपको दिखाती हूँ, और इसकी टेक्सचर जो है आप देख सकते हो ब्लू कलर का टेक्सचर है और हल्की सी एक खुशबू है इसमें। सो फ्रेंड्स, यूजिंग जो है बहुत ही इजी है। पहले अपने हेयर को वाटर से पूरा वेट कर लेना है, फिर आप नॉर्मली जैसे शैम्पू यूज़ करते हो ठीक वैसे ही इसको स्कैल्प पे अच्छे से लगाना है। बस उसके बाद इस शैम्पू को अपने स्कैल्प पे 5 से 10 मिनट्स रखना है। देन उसके बाद नॉर्मली इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है या डैंड्रफ ज़्यादा है तो आप इसको वीक में 3 दिन यूज़ कर सकते हो। और मेरी एक्सपीरियंस की अगर बात कहूँ तो मैं इस शैम्पू को फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ और मुझे इस शैम्पू से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है सो आप भी इसे यूज़ करके देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो फ्रेंड्स, ये था आज मेरी KLM का केटोकॉन्जल 2% लोशन की रिव्यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।